हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नायक क्लासेस में। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ आज आपसे स्टेप वाइज। जैसे कि आप बोल रहे थे गाइज कि स्टेप वाइज नहीं बताया, कुछ ट्रिक्स बताइए कि कैसे इसे जोड़ें, कैसे इसे हम लगाएंगे। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त मृगांक चौधरी, बात करूंगा आज आपसे मैं इसको किस तरीके से मिलाएंगे और स्टेप वाइज बात करूंगा। स्टेप मैं आपके लिए डिस्प्ले पर दिखा दूंगा, जैसे मैं इसको मूव करूंगा वैसे आपको डिस्प्ले पर दिखाता जाऊंगा और एक ही आपको मूव जो है बार बार इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। आप चाहते हो लिख के दीजिए तो गाइस मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अगर स्टेप वाइज जैसे आप स्टेप जहां लगा रहे हो वहीं लिख के दे दें तो वो भी कर सकता हूँ। ये क्यों बहुत पुराना हो चुका है, तो गाइस देखिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें क्यू देख लीजिए, कोई मैच नहीं कर रखा, कोई वो नहीं कर रखा, देख सकते हैं। एंड तक देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। इसमें तीन लेयर होती हैं, आप देख सकते हैं तीन लेयर को आप मिलाएंगे किस तरीके से। इन तीनों लेयर्स को आपको पहले फर्स्ट मिलाना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, आपको इस तरीके से मिलाना है। आपको ऐसा नहीं है कि आप जो भी पकड़ के मिलाते चलो जो भी मिल रहा है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से मिला लेंगे और आप डबल डबल भी मिला सकते हैं फिर एक साथ जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी वे में बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले आप देखिए किसको मिलाना चाहते हैं। मैं आपको स्टार्ट करता हूँ जैसे व्हाइट से करता हूँ, व्हाइट। तो गाइज याद रखिएगा जो सेंटर में होता है वही वहां आ सकता है। देखिए यहाँ क्या है, व्हाइट, तो व्हाइट ही होंगे यहाँ। यहाँ कौन सा है, रेड, तो रेड ही होंगे। जो सेंटर में है वही वहां आ सकते हैं, वही कलर्स वहां आएंगे। यहाँ देख सकते हैं क्या, ऑरेंज, ब्लू कलर है, येलो है, रेड है, ठीक है, क्लियर। हम करते हैं व्हाइट से स्टार्ट। तो सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे। प्लस कैसे बनाएंगे देखिएगा, प्लस बनाने का तरीका, तो गाइस देखिएगा आपके सामने है ये, आप देखेंगे यहां पर नीचे कुछ है क्या, कोई और दूसरा, देखिए व्हाइट, जो यहां पे व्हाइट चाहिए होगा, मैं प्लस बनाने के लिए यहां पे चाहिए, यहां 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 ये व्हाइट चाहिए होगा, क्लियर। तो आप कैसे लेके आएंगे, पहले ये देखेंगे नीचे व्हाइट है क्या कहीं, यहां नीचे नहीं है, इधर देखेंगे यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर व्हाइट ना ही यहां पर है, कहीं नहीं है, यहाँ पे व्हाइट लेके आना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इस पोजीशन पे पहुंचाना है, व्हाइट को यहाँ पर पहुंचाना है, ठीक है। अब इसे थोड़ा ये व्हाइट यहाँ इसके बैक साइड में देखते हैं कहीं है क्या व्हाइट, हाँ यहाँ देखिए रेड के साथ में व्हाइट है, तो ये क्या है, रेड और व्हाइट। तो वाइज देखते हैं कि व्हाइट ऊपर लेके आना है, ये रेड और व्हाइट, मिडल वाला मिडल में ही आएगा, याद रखिएगा। देखिए व्हाइट और रेड, तो पहले रेड को सेंटर से सेंटर मिला लिया, व्हाइट यहाँ है, रेड से रेड मिला लिया हमने, उसके नीचे क्या है, व्हाइट। तो इसको सिंपली हम ला सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसको मूव करना है टू टाइम्स, ये कर दिया, व्हाइट आ चुका है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है सेट कॉर्नर से, अभी अभी प्लस से ही मतलब है, देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम आपसे, अब देखिए कोई और है क्या आपके पास जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आसपास कहीं हो, नहीं है, यहां है गाइस, ये देखिए ये मिडल वाला मिडल में आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, लेकिन इसके साथ हम देखेंगे कौन सा कलर और है, कलर कॉम्बिनेशन क्या है इसका, व्हाइट के साथ में क्या है यार, ग्रीन, तो गाइज ग्रीन और व्हाइट। तो हम क्या करेंगे, इसे देखिएगा ढंग से, इसे नीचे टर्न किया, इसे हमने इस तरीके से घुमाएंगे, ये घुमा लिया, बाकी का जो जैसे था वैसे ही कर देंगे, रेड के रेड साथ रेड था, ये इसके साथ में है। क्यू बहुत बेकार है गाइज, मेरे पास अभी फिलहाल यही अवेलेबल है, इसलिए मैं आपके लिए इसे बता रहा हूं। अब देखिए यहां क्या, व्हाइट, ठीक है। तो इस व्हाइट को हमें क्या करना है, देखिएगा ग्रीन के साथ ग्रीन लेके जाएंगे, पहले पहले सेंटर से सेंटर मिलाना है हमें, ग्रीन से ग्रीन मिल गया, यहां पहुंचाना है, क्लियर, मैं कहता हूं समझ पा रहे होंगे। तो देखिए ये मिल गया है, ये मिल गया है, ये मिल गया, ये मिल गया, ऐसे ही सिमिलरली हम क्या करेंगे बाकी के जो बचे हुए इनको मिलाएंगे। यहां देखिए यहां क्या है, ब्लू, और यहां ब्लू, यहां व्हाइट है, ब्लू, क्लियर। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसे टू टाइम्स क्या करते हैं, किधर भी मूव कर लो दोनों तरफ से, प्लस तो आराम से बना लेंगे आप, यहाँ पे कोई ट्रिक आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आराम से कर सकते हैं। ये मिल गया, बस सेंटर से सेंटर मिलाना है, पहले ये देख लेना है, क्लियर। अब बचा हुआ एक, ये ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज है, यहाँ व्हाइट होना चाहिए, लेकिन ये क्या करना है, हमें सिर्फ यहीं की मूव करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसे टू टाइम्स नीचे कर देंगे, अब ये यहाँ पहुंच गया। जब आपकी इस टाइप की कंडीशन में आ जाए कि यहाँ पे आ जाए, अभी तक मैंने बताया आपके लिए जब नीचे थे, अब बताऊंगा जैसे अब यहां आ गया, इस पोजीशन पे आ गया आपके सामने, तो गाइस क्या करेंगे, बैक साइड की दोनों लेयर्स को क्या करेंगे, टर्न करेंगे बैक साइड की, बाकी का हम क्या करेंगे, फिर इसे मिडल वाली को घुमा लेंगे, मिडल वाली को, सिर्फ मिडल वाली को, क्लियर, ऑरेंज।
बाकी का फिर से बैक कर देंगे, देख सकते हैं ये प्लस आ चुका है। अब यहां देखेंगे, यहां हमारा क्या है, बिगड़ चुका है, तो हम ऑरेंज से ऑरेंज मिलाएंगे पहले, क्लियर, ऑरेंज से ऑरेंज, ब्लू से ब्लू, रेड से रेड, ग्रीन से ग्रीन, सब मिल चुके हैं, प्लस बन चुका है अभी हमारा। अब आती है मेन आपकी बात, जहां से आपको स्टार्ट करना है स्टेप, देखिएगा ढंग से समझिएगा। व्हाइट चाहिए हमें ऊपर, तो देखिए ये कॉर्नर पे व्हाइट होनी चाहिए, यहां 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 यहां, नीचे हो चाहे ऐसे कहीं भी पोजीशन पे हो, लेकिन होना चाहिए नीचे इस टाइप की। अगर नहीं है तो आपको लेके आना पड़ेगा इस टाइप की कंडीशन पे, ठीक है। जैसे आपको मान के चलो ये कंडीशन आपकी यहां के बजाय यहां पे है, मतलब ये वाला पोर्शन अगर यहां पे है, मतलब व्हाइट इधर साइड में, लेकिन व्हाइट आपको होना चाहिए था ऊपर, लेकिन हो रखा है आपका इधर साइड में, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे लेके आएंगे उसे, मतलब इस टाइप की कंडीशन पे पहुंचाना पड़ेगा आपको, क्लियर। तो सबसे पहले मेरा वही काम, ये किसके साथ है, यहां क्या है, ग्रीन, तो ग्रीन के साथ ग्रीन पहले सेंटर से सेंटर मिलाओ, मिल गया। तो मतलब ये कहां का है, ये इस कॉर्नर का है, ये कहां का है, इस कॉर्नर का, व्हाइट ऊपर आएगा, ग्रीन यहां रहेगा इस कंडीशन पे। तो गाइस देखिएगा, जब आपको इधर साइड में लेना है यहां पर, तो नीचे वाली लेयर को आपको अपोजिट साइड में, मतलब इधर साइड में लेना है, तो आपको क्या करना होगा, नीचे वाली लेयर को इधर साइड में, मतलब आप लेंगे इसे किस साइड में, लेफ्ट, इसे डाउन, राइट, नीचे वाली को लिखेंगे राइट, और फिर से इसे अप, क्लियर, देख सकते हैं, देख सकते हैं, और यहां समझ पा रहे हैं, आपने ऑटोमेटिकली मिलता जाएगा, ये क्या है, रेड है, तो रेड के साथ रेड मिल चुका है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके साथ, देखेंगे यहां पे कोई और है क्या आपके पास, हाँ यहां देखेंगे ये व्हाइट और ब्लू, तो व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है आपके पास, तो व्हाइट और ब्लू, तो व्हाइट चाहिए हमें ऊपर, तो ब्लू चाहिए हमें सेंटर से मिलाना है, ब्लू कहां है, सेंटर, देखिएगा सेंटर से सेंटर मिला लिया, बस अब ये कहां पहुंचाना है, यहां पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब यहां पे पहुंचाना है तो आपको जो व्हाइट वाला है उसे अपने सामने करना पड़ेगा, जैसे इस तरीके से कर लिया, इसे यहां पहुंचाना है। तो गाइस ये कौन सी आपकी, ये आपकी राइट साइड है, तो नीचे वाली को उल्टा अपोजिट करते हैं, जब राइट साइड में ऊपर चढ़ाना है तो क्या करेंगे, इसे लेफ्ट में टर्न किया, डाउन किया, बैक किया और अप किया, देख सकते हैं आपका रेड से रेड पूरा कॉम्बो, ब्लू ब्लू हो गया, ये आपका ग्रीन हो गया। अब बचे हुए दो कॉर्नर, अब एक कॉर्नर देखेंगे यहां पे, देखिए जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कभी कभी, देखिए ये कंडीशन यहां पे, मतलब है तो ये यही का, इसकी पोजीशन तो यही है, लेकिन इसकी थोड़ी करेक्ट कलर कॉम्बिनेशन क्या है, गलत हो रखे हैं, मतलब ये ऑरेंज वाला इधर साइड पोजीशन होनी चाहिए इसकी, और ये ऊपर होना चाहिए, ब्लू इधर कलर में होना चाहिए, लेकिन ये है इसी कॉर्नर का, तो इसे क्या करें, पहले यहां से हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करेंगे, इसे कहीं भी कर लो, नीचे टर्न किया, इसे हमने यूं कर दिया मोल्ड, बाकी का बैक कर लिया, मतलब ये है कि हमने यहां से हटा दिया, तो हटाएंगे तो पहले देखो ये आ गया, ये है यहां पे, जब नीचे की कंडीशन में आ जाए बैक में, देखो ऊपर चाहिए लेकिन ये कहां है, नीचे है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझिएगा, पहले यहां से हमें इस पोजीशन पर लाना है, यहां लाओ चाहे यहां लाओ, यहां पे व्हाइट होना चाहिए, यहां व्हाइट होना चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ से व्हाइट को हटाना है, व्हाइट कलर नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, बैक साइड को, दोनों की बैक पोजीशन को टर्न किया, अब इसको क्या करें, एक बार मूव, दूसरी बार मूव, बाकी का बैक, क्लियर। अब देखिए ये यहां आ गया, ये कंडीशन लेके आनी थी हमें कॉर्नर, अब देखिए पहले ब्लू से ब्लू मिलाएंगे, ब्लू से ब्लू मिल चुका है, व्हाइट यहां पहुंचाना है, तो कौन सी साइड है आप देख सकते हैं, समझ पा रहे होंगे, ये आपकी कौन सी साइड है, ये आपकी है लेफ्ट, सॉरी राइट साइड, तो राइट साइड है तो आप क्या करेंगे, इसे लेफ्ट में टर्न, इसे डाउन, इसे बैक, और इसे फिर से दोबारा से अप कर दिया, क्लियर। तो देख सकते हैं ब्लू से ब्लू मिल गया, ये मिल गया। नेक्स्ट बात करेंगे अब इधर साइड की, क्लियर। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये व्हाइट यहां पे है, तो व्हाइट यहां पे तो कहां होना चाहिए, या तो यहां होना चाहिए या फिर यहां होना चाहिए, इसके यहां चढ़ाना है तो हमें, देखिए इसके साइड में क्या है, हाँ इसके साइड में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर है, क्या है, ग्रीन कलर, तो ग्रीन कलर है तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्रीन के साथ ग्रीन मिलाएंगे पहले, हाँ ग्रीन से ग्रीन मिल चुका है, अब ये कहां चढ़ाना है, यहां पे, तो कौन सी साइड है आपकी, ये है आपकी लेफ्ट साइड, तो इसे क्या करेंगे, राइट में टर्न डाउन, लेफ्ट में दोबारा से फिर मतलब बैक कर देंगे, इसे कर देंगे अब अप, क्या करेंगे, इसे अप कर देंगे गाइस। तो देख सकते हैं व्हाइट से व्हाइट मिल चुका है, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड। अब आती है आपकी सेकंड लेयर,
तो गाइस जब तक आपको फर्स्ट ईयर ढंग से नहीं आती तब तक आप फर्स्ट ईयर को ही करिए बार बार। फर्स्ट ईयर करने के बाद में आपको करना है फिर सेकंड ईयर को। अब सेकंड ईयर में भी यही स्टेप अपनाने हैं, देखिए कैसे। इसमें थोड़े कंडीशंस हैं, वो कैसी कंडीशंस आपको अप्लाई करनी है देखना है। सबसे पहले देखेंगे क्या है, नीचे येलो, तो येलो तो नीचे जाएगा हमें ये पता है, तो येलो वाले तो छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, जहां भी येलो है उसे छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दो। अब हमें देखना ये क्या है, ब्लू, और नीचे क्या है, ऑरेंज। ऊपर ब्लू है, नीचे ऑरेंज है। अब आपको क्या करना है, क्या है, ये ब्लू है, ये नीचे ऑरेंज है। आपको करना है इसे ब्लू के साथ ब्लू लेके जाएंगे, तो देखिए ब्लू के साथ ब्लू ले लिया है। अब हमें देखना नीचे क्या है, ऑरेंज। तो मतलब वैसे भी क्या है, ब्लू है, लेकिन नीचे क्या है, ऑरेंज। तो ऑरेंज किधर साइड में आ सकता है, इधर में आएगा क्या, नहीं, इधर तो रेड होना चाहिए था, लेकिन हाँ इधर आ सकता है। ये कहां पहुंचाना, यहां पे, मतलब ब्लू कलर तो यहां रहेगा और नीचे का जो ऑरेंज है कहां पहुंच जाएगा, यहां पे, क्लियर। तो मतलब इस तरीके से ये पोजीशन यहां से उठा के यहां करनी है। कैसे करनी है देखिएगा। अब वही बात जो मैं पहले से आपके सामने बोल रहा हूं, ये कौन सी साइड है आपकी, ये आपकी है लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड, तो आप क्या करेंगे इसे राइट में टर्न डाउन, बैक कर लिया इसे लेफ्ट में, फिर से इसे अप कर लिया, क्लियर। अब देखेंगे, आप बोलेंगे यहां तो कंडीशन बिगड़ चुकी है हमारा, ये बिगड़ गया, तो बस ये बिगड़ गया, तो इसे पहले इसे कंप्लीट करना है। तो ये कंप्लीट करेंगे ऑटोमेटिकली वो कंप्लीट हो जाएगा, कैसे होगा देखिएगा। हमने इसे क्यों किया, क्योंकि व्हाइट अपनी तरफ होना चाहिए, व्हाइट यहां पहुंचाना है तो अपनी तरफ होना चाहिए। कौन सी साइड है ये आपकी, आपकी है राइट साइड, लेफ्ट डाउन बैक अप, ऑरेंज ऑरेंज ब्लू ब्लू, मिल चुका है गाइस, समझ सकते हैं। सिमिलरली अब क्या करेंगे, इसे छोड़ दीजिए क्योंकि यहां पे क्या है, येलो, येलो नीचे चाहिए हमें, कोई मतलब नहीं है इसका। ग्रीन देखते हैं, ग्रीन है यहां पे, नीचे क्या है, येलो, कोई मतलब नहीं है। यहां देखते हैं क्या ग्रीन है, इसके साथ में क्या रेड, तो ग्रीन और रेड, तो देखिए ग्रीन से ग्रीन तो मिला हुआ है सेंटर से, सेंटर पहले से, सेंटर से तो मिला हुआ है ग्रीन। अब देखिए रेड नीचे है, तो रेड कहां सकता है, यहां, मतलब ये इस पोजीशन का है। वही काम करेंगे आपको लेफ्ट साइड में, आपको सॉरी राइट साइड में क्या किया आपने, टर्न किया, इसे डाउन, इसे बैक, अब इसे अप, फिर से ये कंडीशन बिगड़ चुकी है गाइस। तो क्या करेंगे, वही काम, आपने इसे यहां चढ़ाना था, कहां कर दिया आपने, टर्न किया, ये आपको इधर साइड में टर्न किया, आपको कितने क्या लेफ्ट में टर्न किया, डाउन, इसे राइट और इसे अप। तो देख सकते हैं ग्रीन से ग्रीन मिल चुका है, रेड से रेड मिल चुका है, एक इधर कंडीशन हो गया। अब ये कंडीशन बची हुई है, एक ये बची हुई है और एक ये बची हुई है, क्लियर। तो आपको देखिए यहां देख सकते हैं ये क्या है, ग्रीन, नीचे क्या है, ऑरेंज। तो बस येलो तो है नहीं यहां पे, तो ये कहां पहुंचाना है आपको, ग्रीन के पास ले जाना, पहले ग्रीन से ग्रीन मिलाना है, क्या सेंटर से मिलाना पड़ेगा पहले इसे, सॉरी सेंटर से मिलाना, सेंटर से सेंटर मिल गया, ये मिल गया। अब देखिए नीचे क्या है, ऑरेंज। अब ये ऑरेंज किधर आ सकता है, इधर तो नहीं आ सकता, इधर तो कंप्लीट है, ये इधर लेना है हमें, ऑरेंज और रेड। अब देखो ये किधर साइड में आपके, ये आपकी है राइट साइड में, तो नीचे वाले को लेफ्ट, इसे डाउन करेंगे, इसे दोबारा से बैक साइड में लेके आएंगे, अपनी साइड में लेके आएंगे, कौन सी साइड आ गई आपकी, ये आई आपकी राइट साइड में किया, अब ये अप किया, क्लियर। अब फिर से देखेंगे बिगड़ चुका है, ये क्या हुआ, बिगड़ गया है, तो इसे पहले मिलाएंगे जैसे हम पहले से मिला रहे हैं, इधर लेना है, इसे किया राइट में, डाउन किया, लेफ्ट बैक किया और ये कर दिया ऊपर अप। देख सकते हैं ये मिल चुका है आपका। अब सिर्फ एक कंडीशन बची हुई है ये, अब देखिएगा ये क्या है आपका रेड, तो रेड को आप क्या लेके जाएंगे, रेड से रेड मिलाया, ये मिल गया। अब नीचे क्या है, नीचे है आपका ब्लू कलर, तो ब्लू कलर को कहां पहुंचाना है, यहां पे पहुंचाना है गाइस, यहां पे पहुंचाना है। देखिए कैसे, ये कौन सी साइड आपका, लेफ्ट साइड है, राइट में टर्न करेंगे, नीचे वाले को डाउन किया, बैक किया और फिर से इसे बैक किया, तो बस देख लीजिए फिर से बिगड़ चुका है। इसके लिए हमारी वही कंडीशन थी, लेफ्ट में चढ़ाना है, सॉरी राइट में चढ़ाना है, तो लेफ्ट में टर्न करेंगे, इसे डाउन करेंगे, इसे बैक करेंगे और इसे बैक करेंगे। तो देख सकते हैं, अब देखिए आपको मिल चुका है पूरा, दो लेयर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, देख लीजिए पूरी तरीके से। जब तक गाइस आपको दो लेयर कंप्लीट करना नहीं आता तब तक आप आगे मत पढ़िएगा, दो सीख करिएगा ढंग से। अब बात आती है आपकी थर्ड लेयर की, इसे क्या करेंगे, बैक उल्टा, मतलब जो नीचे वाले मिले हुए वो छोड़ो, ये बात करेंगे आप।
अब देखो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, आप दो लेयर तो आराम से मिला लेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आराम से समझ जाएंगे। अब ये आपकी मेन जो लेयर आती है, इसमें चार स्टेप होते हैं और चार स्टेप्स होते हैं, चार स्टेप्स आप करेंगे, चार कंडीशन मतलब लेके आते हैं, चार टाइप की बनती हैं। तो कैसे करेंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले यहाँ भी क्या करेंगे, प्लस बनाएंगे, उसके बाद में कॉर्नर को आपको क्या करना है, जो कॉर्नर पे है मतलब कलर नहीं मिलाना आपको, ये देखना है कि इस कॉर्नर पे कौन सा रंग कौन से कलर का कॉम्बिनेशन आएगा, वो यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ लेके आना है, उसके बाद में आपको मीटअप करना है। देखिएगा ढंग से, आपके पास कंडीशन बनती है ये बनी हुई एल आकार में इस तरीके से, या फिर बन जाती है कभी कभी सीधी लेयर लाइन बन जाती है, या फिर ऐसे बन जाती है, मतलब एक लाइन बनी हुई है सीधी, या फिर ये लाइन बनी हुई है, या फिर कभी कभी क्या होता है सिंगल कलर होता है यहाँ ऊपर, मतलब सेंटर ही सेंटर होता है, बाकी के सभी इधर उधर होते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा। ये बना हुआ है यहाँ आपके सामने एल टाइप का एल, तो आप क्या करेंगे इस टाइम कंडीशन में, इस टाइप की कंडीशन में ऐसे लेंगे जैसे मैंने ले रखा है, याद रखिएगा जैसे मैंने ले रखा है ऐसे लेंगे, एक इधर इस तरीके से। कलर से मतलब नहीं है कि यहाँ कौन सा मिल रहा है या कौन सा मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है इससे, आप करना चाहो तो यूं कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, आपको पहले ऐसे ही लेना है, आप इसे यूं पकड़ लो चाहे यूं पकड़ लो, जब तक प्लस नहीं बनता तब तक आपको कोई मतलब नहीं है, कैसे भी ले लो, मैंने ऐसे ले लिया, चलो रंग मिला लो, नहीं तो नहीं मिलते तो आप ऐसे ले लो कंडीशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे देखिएगा, ढंग से समझिएगा, इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ फ्रंट वाली लेयर को, सिर्फ फ्रंट वाली लेयर को, अपने सामने वाली लेयर को आपने राइट में घुमाया, ठीक है, क्या क्या राइट में घुमाया, इसे अप किया इस तरीके से, किया डाउन बैक, बाकी का स्टेप बैक, देख सकते हैं अब ये लाइन बन जाती है सीधी, अब आपके सामने लाइन बन गई सीधी, और यहां देखेंगे नीचे कलर कोई बिगड़ा तो नहीं है, कोई भी नहीं बिगड़ा, आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं बिगड़ेगा नीचे जब तक आप इन्हीं कंडीशनों को फॉलो करेंगे। अब मैंने बोला था आपको अभी तक आपके सामने इस तरीके से बना हुआ था, लेकिन अब ये सीधी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन, तो इसके क्या करेंगे हम इस तरीके से घुमा लेते हैं, आपको इस तरीके से रखना है इसे। अब फिर वही कंडीशन अप्लाई जो अप्लाई कर रहे थे पहले की तरह, इसे हमने किया राइट में, इसे किया अप, इसे किया लेफ्ट, इसे डाउन बैक बैक, देख सकते हैं प्लस बन चुका है आपका, क्लियर, देख लीजिए प्लस बन चुका है गाइस। तो आप देखेंगे कलर कॉम्बिनेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्लस का नहीं मिल रहा गाइस, यहाँ सिर्फ एक ग्रीन का मिल रहा है, बाकी का ये ऑरेंज है, यहाँ पे क्या है आपका रेड है, ये क्या है ब्लू है, और नहीं मिल रहा, लेकिन मिला के देखते हैं कोई दो मिल रहे हैं क्या, ये मिलाया हाँ रेड मिल गया ब्लू मिल गया, एक साथ दोनों मिल गए, देखो ये तो कंप्लीट हो गई, मतलब ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये ऑटोमेटिक बन भी सकता है कभी कभी नहीं बनता। तो देखिए ये आपका बन चुका है, लेकिन ये दोनों ये यहां पे होना चाहिए और ये वाला यहां होना चाहिए, ये कंडीशन हमारी यहां बिगड़ी हुई है। तो आप क्या करेंगे इस कंडीशन में ये देखना है आपको। तो देखिएगा गाइस जो आपकी मिली हुई है, यहां मिली हुई है बैक मिली हुई, तो बैक कर देंगे जो मिली हुई है बैक साइड में, और इसको आपकी राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड में, कहां लेफ्ट साइड में, बाकी का यहां पकड़ेंगे इस तरीके से, देखिए यहां ऑरेंज है यहां पे ये है, तो क्या करना है इसमें आपको ये देखना है, क्लियर। तो देखिए गाइस ये आपके सामने इस तरीके रखे हुए हैं, आपको क्या करना है ढंग से समझिएगा, आपके मतलब ये आपके लेफ्ट साइड में है मिला हुआ जो है आपके लेफ्ट में और बैक में है, ठीक है। अब राइट साइड को क्या करना, राइट साइड को करना है आपको अप, क्लियर, और ऊपर वाली लेयर को फर्स्ट वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर को क्या करना है आपको दो बार मूव करना है, आपको किस साइड में मूव करना है राइट में, वन टाइम सेकेंड टाइम। अब आपकी जो राइट वाली डाउन किया, फिर से इसे इस तरीके से मूव किया, अप किया मूव किया डाउन, क्लियर। अब देखिए प्लस तो बना हुआ है ही, अब आपको देखना है ये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, अब कलर मिला के देखेंगे, ग्रीन से ग्रीन मिलाया तो रेड से रेड मिल गया, देख सकते हैं ये मिल गया ये मिल गया ये मिल गया, देखो सब कलर मिल चुके हैं ये वाले आपके जो आपके प्लस वाले हैं, क्लियर, प्लस वाले आपके मिल चुके हैं, ये आपके दो स्टेप कंप्लीट हो गए। पहले आपको क्या बनाया, प्लस मिलाया, प्लस मिलाने के बाद आपको क्या करना है, प्लस बनाने के बाद में आपको करना है ये कलर मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे तो जो स्टेप मैंने बताया है वही स्टेप आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है, आपका ऑटोमेटिकली ये आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपके एक बार में नहीं मिल रहे तो सेकेंड टाइम अप्लाई करिए, दूसरी बार करिए दूसरी बार मिल जाएंगे, ठीक है, ये आपका बन ये मिल चुका है। अब बात करते हैं कॉर्नर की, सबसे पहले देखेंगे ये कौन ये यहाँ का है क्या नहीं, देखिए यहाँ पे ऑरेंज है सॉरी क्या बोलते हैं ब्लू है, ब्लू कलर है, रेड होना चाहिए था, रेड नहीं है इस पे कहीं भी, ना ऊपर है ना नीचे साइड में कहीं नहीं है, मतलब ये इस कॉर्नर का नहीं है,
अब देखते हैं इसमें, ये भी आपका ऐसा ही है, इसमें भी कोई भी नहीं है, लेकिन हाँ इसकी बात करेंगे इस कॉर्नर की। देखिए ऑरेंज, हाँ ऑरेंज ही रहा, ऊपर ऑरेंज है, यहाँ ऑरेंज है, ग्रीन ग्रीन है, येलो येलो है, मतलब ये आपका सही कॉर्नर पर, लेकिन आपको इसे क्या करना है, सही तरह से सेट नहीं हो रखा, मतलब इसे ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए, इस तरह में होना चाहिए, मतलब लेकिन वैसे क्या है, वैसे सही रखा हुआ है, वैसे क्या है, सही रखा हुआ है। लेकिन और किसी की बात करें, इसकी बात करें, तो ये भी गलत है, मतलब तीन गलत लिखे हुए रखे हुए हैं, ये सही रखा हुआ अपनी पोजीशन पे, लेकिन आपको इसको थोड़ा क्या करना है, मूव करके इसे चेंज करना है, यहीं की यहीं। तो कैसे करेंगे, खोल के नहीं करना है आपको, सोल्व करके करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, आपको इस तरीके से लेके आना सभी कॉर्नर्स को, मतलब जैसे ये इस कॉर्नर का है, तो ऐसे इस कॉर्नर का कौन सा चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे कलर होना चाहिए ग्रीन रेड और येलो होना चाहिए, यहाँ कौन सा, ये रहा ग्रीन रेड और येलो, ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ वाला यहाँ होना चाहिए, ठीक है, ये करना है। देखिए कैसे करेंगे, जो गाइस आपका सही पोजीशन पर रखा हुआ है उसे आप रखेंगे राइट साइड के फ्रंट की तरफ, राइट साइड में फ्रंट की तरफ, मतलब अपनी तरफ करके मुंह इसका रखेंगे, जैसे कि मैंने रख रखा है। आपको क्या करना है, ये किया, मतलब देखिए ऐसे किया, इस साइड को, आपके लेफ्ट साइड को मैंने अप किया, और अपर साइड को क्या किया, टर्न किया, किस साइड में, लेफ्ट साइड में अप किया, बैक किया, डाउन, बैक किया, डाउन। देखिए अब देखते हैं, पहले कलर से मिलाएंगे, प्लस वाली, प्लस वाले कलर, ये मिल गया, प्लस से प्लस मिल गया, ये मिल गया, पूरा प्लस मिला हुआ, ये बिगड़ेगा नहीं गाइस, जो हमने बना लिया वो बनता जाएगा। अब देखिए ये देखेंगे कंडीशन, हाँ ये तो सही रखा हुआ अपनी पोजीशन पे। अब देखिए ये अपनी पोजीशन पे आया कि नहीं आया, ये अभी नहीं आया, ये भी अभी नहीं आया, ये भी अभी नहीं आया, जो अभी नहीं आए फिर दोबारा से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब किया, पहले कौन से साइड को कर रहे हैं, जो मिला हुआ नहीं है, मतलब आपका कौन सा साइड है, लेफ्ट साइड को अप किया, अपर साइड को लेफ्ट साइड में टर्न किया, राइट साइड को अप किया, बैक डाउन, बैक डाउन। अब देखिए फिर से प्लस बनाएंगे, मिल रहा नहीं मिल रहा, प्लस से प्लस मिल गया, देखिए पूरा मिला हुआ है। अब देखेंगे कोई कंडीशन रखी हुई है नहीं है, अब देखेंगे फिर से कॉर्नर चेक करेंगे, कॉर्नर आए कि नहीं आए। देखो ये अपनी अच्छी कंडीशन पे आ चुका है, ये यहां होना चाहिए, ये मतलब बस पोजीशन चेंज करनी है, ये मिल चुका है, मतलब ये अपनी कंडीशन पे है। ये देखेंगे रेड होना चाहिए, रेड होना है, येलो होना चाहिए, येलो है, ग्रीन होना चाहिए, ग्रीन है, मतलब ये भी अपनी सही पोजीशन पे है। बात इसकी करते हैं, येलो होना चाहिए, येलो है, ऑरेंज होना चाहिए, ऑरेंज भी है, ब्लू होना चाहिए, ब्लू भी है, मतलब ये भी अपनी सही पोजीशन पे है। हाँ बात करते हैं इस पोजीशन की, देखो ये तो ऑटोमेटिकली मिल चुकी है, ये क्या है, ऑटोमेटिकली मिल चुकी है गाइस। तो देखिए गाइस जो आपका मिल चुका है, ये मिल चुका है आपका कॉर्नर, तो आपको करना क्या है, अब आपको ऐसे पकड़ना है, मतलब जो मिला हुआ है आपको लेफ्ट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में। अब आपको एक ही कंडीशन दोहरानी जब तक आपका बे पूरा तरीके से मिलता नहीं है। कैसे, देखिएगा, अप टू टाइम्स टर्न, डाउन टर्न, अप मीट डाउन, ये वाली साइड अप टू टाइम्स मूव, डाउन वन टाइम मूव, अप वन टाइम मूव। देखिए देख सकते हैं, येलो येलो मिल चुकी है, ये वाली मिल चुके हैं यहाँ पे, तो ये वाले मिल चुकी है, सिर्फ ये कंडीशन ये रह चुकी है। अब आप इस तरीके से ऐसे पकड़ें, जो मिला हुआ आपको इस साइड में रखनी है, आपको लेफ्ट साइड में, क्लियर। अब देखिए फिर से वही, लेफ्ट साइड में मिला हुआ है, राइट साइड को क्या करेंगे, अप टू टाइम्स मूव, डाउन वन टाइम मूव, अप वन टाइम मूव, डाउन अप टू टाइम्स मूव, डाउन वन टाइम मूव, अप। ये फिर से देखिए वही कंडीशन आई, जब तक आपको मिलेगी नहीं आपको ये कंडीशन अप्लाई करती यानी है। ये किया वन टाइम मूव, सॉरी डाउन किया, इस तरीके से किया, फिर से आपको मैं मीट किया नीचे डाउन, फिर इस साइड को लिया टू टाइम्स डाउन, वन टाइम अप, वन टाइम। देख सकते हैं पूरा मिल चुका है गाइस। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा गाइस कैसे तरीके से मिल चुका है, देखिएगा पूरा मिल चुका है, क्लियर। इसमें कोई भी कटिंग सेटिंग नहीं है गाइस, बस आपको ये मूव स्टेप्स में डाल दूंगा आपके लिए कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने इसे अप्लाई किया है। तो उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करें, जिनको नहीं मिला पाए वो गाइस हमें कमेंट करें कि क्या दिक्कत हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है।
हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।